Hi guys, I'm here in Varanasi and today I'm going to help you find a 100% real silk Banarasi sari. These saris have been given a GI tag by the government of India, which is kind of a patent given to the artisans of a particular area. But sadly, the markets here are flooded with cheap saris made of synthetic fiber, plastic fiber that comes from China. I'm now going to go to a colony where these weavers manufacture the real silk Banarasi saris. These weavers have been making it for generations now. And when you cross these houses, you can actually hear the noise of handloom. अच्छा, तो बताइए आप कैसे पहचाने हम असली और नकली में फर्क? ये जो है हैंड ब्लीडिंग होता है। अच्छा, और ये मशीन से होता है, ये दोनों फर्क इसमें। और दूसरा, इसका जो धागा होता है ये पूरा सिल्क होता है। देखिए, और इसमें जो होता है ये टोटल आर्टिफिशियल होता है। इसमें सिल्क का कुछ भी 1% भी नहीं होता। अच्छा, इसको टच करके पता लग रहा है? हाँ, टच करने पे ही मालूम हो जाता है। ये रफ फील हो रहा है? हाँ, रफ फील हो रहा है। और ये वाला सॉफ्ट है? सॉफ्ट होता है। इसको अगर हम ये डुप्लीकेट को जो है, हाँ, अगर ये माचिस में लगाएंगे या फायर में डालेंगे तो ये प्लास्टिक जैसा सिकुड़ जाएगा। अच्छा, इकट्ठा हो जाएगा सिकुड़ के। और ये सिल्क जो होगा जी, ये अगर जलाएंगे तो पूरा ऐसे सीधा होगा, और अगर उसको दबाएंगे तो ये पूरा जैसे चिप्स जैसा टूटेगा, पूरा ऐसा। अच्छा, और वो प्लास्टिक जैसा? ये प्लास्टिक जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क होता है इनमें से। अच्छा, इसमें दो क्वालिटी आती है, इसमें ये लेंथ में सिल्क हो और ये विड्थ में जो धागा लगा है, हाँ जी, ये आर्टिफिशियल होता है। अच्छा, ये 60% इसमें जो सिल्क है और 40% आर्ट है। अच्छा, अच्छा, और इसमें जो है 100% सिल्क है। बनारसी के जैसे पीछे देखकर बताया जा सकता है आर्टिफिशियल है कि नहीं है? इसमें जो भी जरी लगी है ये लेंथ में है, ये लेंथ में जितनी भी जरी, हाँ, है, हाँ। और जो हैंड वीविंग है ये विड्थ में। अच्छा, देखिए ये निशान है ना, ये इसको ऐसे टाइट करके जो वीविंग किया जाता, हाँ, है, तो वो टाइट ऐसे होता है पूरा ये से, तो ही उसका जो वीविंग होती है। ये अच्छा, निशान है ना, ये लेंथ वाइज, हाँ, लेंथ में ये जो निशान आता है इसको ऐसे आता है, ऐसे फंसाया जाता है। अच्छा, ताकि ये सुकड़ न जाए। अच्छा, ये ऐसे पूरे साड़ी में आता है। ठीक है, और अगर आर्टिफिशियल जो होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका प्राइस का अंदाज़ा मुझे अगर आप बताएं, प्योर का आर्ट सिल्क का और इसका? ये 12,000 की। अच्छा, 100% सिल्क 12,000 से स्टार्ट होती है या ये इसका एमआरपी? ये इसका एमआरपी है। और स्टार्ट कितने से होती है? स्टार्ट तो लगभग 10,000 के आसपास से हो जाती है। अच्छा, ठीक है, ये 60% सिल्क और 40% आर्ट है। ये स्टार्ट होती है 6,500। अच्छा, ये आर्टिफिशियल है, ये 2,000 एमआरपी होना चाहिए इसका। Someone else, no one's stopping me now.
Now that we have done all the research, I am here at the market to buy an authentic Banarasi sari using all those tests that we have learnt about earlier today. The first thing to look for is the pin marks on the sari lengthwise, on the selvage of the sari. And these pin marks are on the sari because the sari is fixed on a loom using pins. I also checked the back of the sari and the direction of the weaving pattern is vertical. Now in the end, we're going to do the most sure shot test, the burn test, to check if it's 100% silk or not. No plastic. And here's what I bought. A 100% pure silk handmade sari. It cost me 20,000 rupees because there's multiple colors used in it. And every time the colors in the pattern change, the weaver had to change the thread. So it took him about a month to make it. So please support Indian artists by buying authentic made in India products.